देवरिया में नौका विहार करते हुए पांच लड़कियां ताल में डूब गई। तीन की मौत, दो गंभीर, जिसमें किशोर चला रहा था नाव। देवरिया जिले में एक दर्दनाक घटना शुक्रवार की शाम को हुई। ताल में नौका विहार करने आई पांच लड़कियां अचानक नाव पलटने से डूब गई। इस घटना में तीन लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दो लड़कियों को किसी तरह बचा लिया। घटना भलुआनी थाना क्षेत्र के गडेर गांव स्थित महादेव ताल की है। गडेर गांव निवासी रामेश्वर निषाद के घर बच्चे का मुंडन संस्कार था, जिसमें शामिल होने उनके सभी रिश्तेदार आए हुए थे। दोपहर में मुंडन के बाद शाम को गडेर गांव के बगल में स्थित महादेवा ताल की तरफ घूमने चले गए, जहां ताल में छोटी नाव पर सवार होकर सभी नौका विहार करने लगे। लड़कियों के साथ में गया परिवार का एक किशोर नाव संचालित कर रहा था, तभी ताल में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। लड़कियां अपने आप शोर मचाने लगी, तभी शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लड़कियों को बचाने में जुट गए। तीन लड़कियां नीचे दब गई थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लड़कियां तैर कर निकल गई और वही नाव चला रहे किशोर को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बचा लिया। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि किशोर समेत अन्य लड़कियों की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गडेर में एक तालाब में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें दुर्घटना में सात लोग उससे प्रभावित हुए और उसमें तीन नाबालिग लड़कियों की डूबने से मृत्यु हुई है। तीन उसमें से बचा लिए गए हैं और उसमें से एक का इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। उसको बचाने के लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम पूरा प्रयास कर रही है। प्रथम जो जानकारी आई उसके हिसाब से एक मुंडन के कार्यक्रम में ये बच्चियाँ आई थी और वहाँ से तालाब में फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए नाव पर सवार हुई और डिसबैलेंस हुआ नाव में, इस वजह से ये दुर्घटना हुई। इसमें मैंने और पुलिस कप्तान महोदय ने आकर के यहाँ जिला अस्पताल में जिस बच्ची का इलाज चल रहा है उसको ये हालत पे देखा है और ये डॉक्टरों के आकलन के अनुसार इनको अभी हम मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर करा रहे हैं ALS के माध्यम से, और उनको बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा। जो मृत्यु जिनकी हुई है उनको जो सरकारी नियमानुसार सहायता है उसको दिलवाने की भी प्रक्रिया अधिकारियों के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है।